हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल YouTube देसी दिल में। ये है दिल्ली के निज़ामुद्दीन की सुंदर नर्सरी, जो कि अभी अभी बनाई गई है कुछ दिन पहले ही। तो मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ की वीडियो आपको दिखा देता हूँ कैसी है नर्सरी। घास पर चलना मना है, घास पर ना चलें, आपके लिए ये अच्छा खासा पत्थर लगाया गया है, इस पर चलें। ये देखिए कारीगरी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा पार्क है। ये है हमारे दोस्त सुखी म्यूजिकल डॉक्टर गुड्डू जियो, जो लग रहा है जैसे दो तीन कौवे पी कर बैठे हैं। पीओ, इनके नाम के पीछे जियो और पीओ लगाना से पड़ेगा, ये सुस्त बहुत रहते हैं। रैपर शहजाद निज़ामुद्दीन से, चल अब खड़ा हो जाए, आने के लिए बहुत थका हूँ मैं। तभी तो वेस्टर्न नर्सरी बैड बैड बाय बैड लुकिंग सो गुड। देखो दोनों आपस में कैसे लड़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और हरी भरी नर्सरी दोस्तों, दिल्ली के अंदर ऐसा देखने के लिए कहाँ मिलता है। यहाँ तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। से निकल के ऐसे चलेंगे, पहले बिगर फोटो पे ले लो हमें, बिगर उसको घुमा देंगे साथ में। एक से हैं दोनों, कृपया दीवारों को ना छू, दीवारों को ना छूए, कृपया दीवारों को ना छूए। यहाँ पर कुछ आयतें लिखी हुई हैं, कुछ पढ़ के सुनाए भाई। भाई क्या आवाज है, मजा करके मजा आ जाएगा। ये क्या लिख रहा है पता ना कुछ? बिस्मिल्लाह भी लिखी हुई है इसमें, बिस्मिल्लाह। हाँ, और बहुत ही अच्छा अच्छी कलाकृति है। ये पढ़ने बहुत मुश्किल है, यहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही है, बहुत प्यारी लोकेशन देखो ना कितनी प्यारी आ रही है, मजा आ जाए। गेट है जिसको बंद कर रखा है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है वो दिखा देता हूँ। सुंदर बर्ज स
सन 2000 में दोस्तों ऐसा था, 2003 में ऐसा था, 2007 में ऐसा था, 2011 में ऐसा था, 2012 में ऐसा था, 2015 में ऐसा था, 2015 में खाई। शाम को चलते होंगे जब अच्छे लगते होंगे। कॉपी मारी है कुछ कुछ आइटम जो बना रहे वो उन्हीं का तो प्रोजेक्ट है पूरा। आगा खान फाउंडेशन लगा रहा है इसमें पैसा। यह है निजामुद्दीन की सुंदर नर्सरी, बहुत ही प्यारी है, आपको देखने में भी मज़ा आएगा। तो कृपया करके पूरी वीडियो देखें एंड पूरा आनंद लें वीडियो का। ये देखें इस साइड की झील, ये झील है यहाँ की, झील टाइप है एंड हिमालय स्टोम को पूरा, मतलब हिमालय स्टोम की तरह पूरा लुक है इसका एंड बहुत ही सुंदर बनाई गई है। ये अभी 2018 में बनी है। इस साइड की लुकिंग कितनी खास आई है, यहाँ पर फोटोग्राफी करें या फिर फोटो वीडियो शूट वगैरह करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए अति सुंदर नज़ारा, एकदम मस्त झीलों में, ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आगे आगे देखते हैं, शाम को चलता होगा ना, प्यारा लगता होगा शाम को चलता। ये देखो, हाँ अब देखो कितना प्यारा अधिक नज़ारा है एंड ये शाम को जब चलेगा तो और भी सुंदर नज़ारा हो जाएगा इसका। ये जो इससे वाटर गिरेगा काफ़ी और स्टाइल्स में गिरता है, रंग बिरंगा पानी गिरता है। ओके, लाइटिंग का बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ पर। जंगल की तरह इस साइड देखो, साइड देखो पूरा जंगल की तरह लुक है एंड कितना प्यारा डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर। इसमें वाटर मच्छर भी है पर वो आपको दिखा नहीं सकते अभी, गंदा है। अच्छा फैमिली पार्क है, चोर गर्दी से बिल्कुल बहुत दूर हटकर, बिल्कुल हटके, सबसे हटकर, सबसे कट्टर। जैसे कि आप दूसरे पार्कों में देखते हैं लवर पॉइंट गले में हाथ डालकर इधर उधर बैठे रहते हैं कपल्स, आराम से वो अपनी मस्ती में रहते हैं, देखते हैं नहीं कोई फैमिली आ रही है नहीं आ रही, किसिंग वगैरह सब करते रहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल सिंपल पार्क है। ये देखो ये वाला बैकग्राउंड,
चलें उधर फूलों की तरफ। थक गया, घुटनों में ताकत होनी चाहिए ना। गुड्डू जी, हो सो रहे हो? ले लो मजे, ले लो।